नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। अगर कोई कहे कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, खासकर मोदी सरकार के लिए, तो कतई खतरे की बात नहीं, तो वह इस देश में महिला राजनीतिकों के प्रभाव को लेकर अज्ञानी माना जाएगा। कोई अगर इसे सिर्फ कांग्रेस के परिवारवाद के एक पहल से तय कदम के रूप में देखता है, जिसे कि देर सवेर लिया ही जाना था, तो उसे भी इस कदम को उठाने के समय पर गौर करना होगा, क्योंकि राजनीतिक पंडित तो इसे मौजूदा राजनीति के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से सटीक कदम मान रहे हैं। इन पंडितों का आकलन है कि प्रियंका के आने से भारत के राजनीतिक माहौल में न सिर्फ गहमा गहमी बढ़ेगी, बल्कि कूट बातों और अफवाहों के बुलबुले भी उड़ेंगे। तमाम किस्म की बातें और अफवाहें तो प्रियंका के मैदान में उतरते ही शुरू भी हो चुकी हैं। उन्हें वाराणसी में सीधे प्रधानमंत्री के ऑपोजिट खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस, जो कि पिछले 12 वर्षों से ईश्वर से एक ही दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह प्रियंका राजनीति के अखाड़े में आ जाए, तो वे तमाम पार्टियों को नानी याद दिला दे। क्या इससे बड़ी कोई और मुराद हो सकती थी जो अब पूरी हो गई है? उन्हें लगता है कि अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी की वैसी हवा नहीं रही जैसे 2014 में थी, इसलिए प्रियंका के राजनीतिक परिदृश्य में मौजूदगी का बड़ा असर होना ही है। यह गलत भी नहीं है। प्रियंका की इतनी लोकप्रियता तो है ही कि वो बहुत से नेताओं को अपने दम पर हवा निकाल सकती है। उनकी ऐसी काबिलियत का अनुमान उनके दोबारा राजनीति में सक्रिय होने पर देश भर की मीडिया की प्रतिक्रिया से भी लगाया जा सकता है, जिसने एक स्वर में इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक यानी तुरुप का पत्ता बताया। कांग्रेस लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा असरदार राज्य यूपी में अपना असर खोने की कगार पर पहुंच चुके और सपा व बसपा उसे कगार से भी धकेल देने की फिराक में थे। लेकिन प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना राहुल गांधी ने उन्हें धकेल कर बाहर करने की साजिश करने वाले प्रतिद्वंदियों को भी हैरान कर दिया। प्रियंका के आने मात्र से ही कांग्रेस में इतना जोश भर गया है कि वह यूपी में 30 सीटें पाने का नामुमकिन दिखता ख्वाब देखने का साहस कर पा रही है। अब जरा इस पर भी विचार कर लिया जाए कि आखिर प्रियंका की मौजूदगी से कांग्रेसियों की उम्मीदें इस कदर क्यों बढ़ गई हैं? आखिर वह ऐसा भी क्या जादुई काम करने वाली हैं? इस मुल्क में भले ही महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश करने को लेकर लोग बुरी तरह गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वही महिलाएं जब राजनीति के क्षेत्र में अपने ताकतवर मंसूबे दिखाती हैं तो उन्हें महानायिका बनने से भी वे पीछे नहीं रखते। इंदिरा गांधी को ऐसे ही महानायिका बना दिया गया था। लोगों ने अपने प्यार और अंधे विश्वास से उन्हें इतना ताकतवर बना दिया कि वह देश को इमरजेंसी में झोंकने जैसा तानाशाही पूर्ण कदम उठाने का दुस्साहस भी कर गई। ममता बनर्जी और जयललिता के रूप में हम दो और दुस्साहसी महिलाओं को याद कर समझ सकते हैं कि जनता जब किसी महिला नेता को चाहने लगती है तो वह जैसे उसे सर्व शक्तिमान बनाने का संकल्प ले लेती है। फिर प्रियंका शक्ल सूरत से अपनी दादी पर गई हैं, जो कम से कम एक तिहाई वोटरों के लिए एक भावनात्मक लक्षण है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम यह है कि प्रियंका भारतीय राजनीति के भीतरी तलखों से बखूबी परिचित हैं और इससे पहले भी कई बार चुनावों में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। राजनीति के पंडितों के मुताबिक प्रियंका की सबसे बड़ी ताकत उनका सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। वह जब साड़ी पहनकर और सिर को पल्लू से ढककर भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार करने निकलेंगे और अपनी माँ से अलग एकदम शुद्ध हिंदी में लोगों से संवाद करेगी तो इस देश की अपेक्षा से ज़्यादा भावुक जनता उन पर अपना कितना प्यार न्योछावर करने को उतारू हो जाएगी, इसका फिलहाल कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। अब देखते हैं कि प्रियंका के आने से कांग्रेस को और कितना बल मिलता है आने वाले चुनावों में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।